कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बगैर मास्क के घर से निकलने की इजाजत नहीं। 33 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 66 करोड़ मास्क इसके लिए तैयार भी किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये खादी के मास्क हैं और गरीबों को ये मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे। हर इंसान को दो दो मास्क दिए जाने हैं, गरीबों को मुफ्त में ये मास्क दिए जाने हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बेहद अहम बैठक योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, उसमें ये बेहद अहम निर्देश कि उत्तर प्रदेश में बगैर मास्क से के घर से निकलने की इजाजत किसी को नहीं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, ये एक बड़ा फैसला भी हो सकता है एहतियात के तौर पर, लेकिन बैठक में क्या कुछ और फैसले हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बड़े फैसले हो रहे हैं और बैठक में सीधे तौर पर सीएम ने कह दिया है कि अब कोई भी बगैर मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। और सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी लोग घर से बाहर निकलेंगे उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा और बकायदा यूपी सरकार ट्रिपल लेयर स्पेशल मास्क देगी, जिसके लिए साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि 23 करोड़ जनता के लिए मास्क बनाया जा रहा है, सभी लोगों को इसका पालन होगा और प्रदेश के हर नागरिक को दो दो मास्क दिया जाएगा। यदि लॉकडाउन समाप्त होता है तो भी एपिडेमिक एक्ट के तहत सबको पहनना ही होगा मास्क, सीएम ने निर्देश दिया है। एपिडेमिक एक्ट के तहत लॉकडाउन खत्म हो जाता है उसके बाद भी मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में बेहद अहम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के।